सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं द बुक कॉल्ड एज अ मैन थिंकेथ। अगर उनके ऑथर के अगर आप जानते हो यानी कि जेम्स एलन जी को, तो आपको पता होगा कि उनके विचार कितने अलग हैं। तो इनके कुछ बुक्स में कुछ कोट्स, कुछ सेंटेंसेस है जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। तो वो कोट्स और सेंटेंसेस कुछ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो भी मैंने सीखा है दूसरे लोगों से वो भी मैं आपको कुछ शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। एज अ प्लांट स्प्रिंग्स फ्रॉम द एंड could not be without the seed. So every act of a man springs from the hidden seed from plant and could not have appeared from plant. This equally applied to those act called spontaneous and premeditated as to those which have deliberately executes. इनका ऐसा मानना है कि यार, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये thought इतना, ये person इतना गंदा क्यों है, ये ऐसे क्यों करता है, अगर आपको कुछ भी एक ही भी समय पर, एक भी सेकेंड के आपको ऐसे लगता है कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये सबके साथ झगड़ा करता है, तो ये झगड़े वो खुद नहीं कर रहा है, वो पर्सनली उसके थॉट्स है, क्योंकि यार उसमें वो बीज डाले हुए हैं। जैसे आप बीज, आप एक मतलब मिट्टी में जैसे बीज आप डालोगे वैसे ही फल आएंगे, वैसे ही पेड़ आएंगे। तो उसी तरीके से जैसे आप थॉट्स अंदर डालोगे उसी तरीके के थॉट्स बाहर आएंगे, या फिर वर्ड्स बाहर आएंगे, एक्शंस बाहर आएंगे, या फिर जो कि आपकी प्रोसेसिंग होगी उसी प्रकार की होंगी। तो इफ़ वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स, वी कैन चेंज बाय कन्वर्टिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव। वी कैन प्लांट न्यू सीड्स ऑफ पॉजिटिव, बट इट टेक्स टाइम, वी हैव टू हैव अ पेशेंस। इनका ऐसा मानना है, अगर आप नेगेटिव थॉट से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, आपको अगर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कंटेंट देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार का कंटेंट देखना है जिससे आपको अच्छा फील हो, या फिर किसी भी फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, वैसे आपको पॉजिटिव कंटेंट देखना है, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा कि नेगेटिव थॉट्स तो ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे, बट वो डिक्रीज हो जाएंगे, और पॉजिटिव का लेवल अगर बढ़ेगा तो पेशेंस रखने के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद वो नेगेटिव थॉट्स भी चले जाएंगे। इफ अ मैन्स माइंड हैज अ एविल थॉट, पेन कम्स ऑन इन एज कम्स अ विल ऑक्स, इफ वन एंड्योर इन प्योरिटी ऑफ थॉट जॉय फॉलोज हिम एज हिज ओन शैलो। इनका ऐसा मानना है कि जब एक पर्सन का थॉट्स अगर नेगेटिव है, तो उसे वो नेगेटिविटी ऐसे फॉलो करेगी जैसे कि कोई बुल को, एक ऑक्स को उसकी बुलक कार्ट फॉलो करती है, यानी जितनी भी दूरी पर वो जाएगा उसके पीछे इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। और अगर वही आप अगर पॉजिटिव थॉट्स लोगे, तो उसी की तरह के एक शालू की तरह से आपको वो पॉजिटिव थॉट्स घेरे गहरे रहेंगे, या फिर आपके मुंह से भी जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इनका ऐसा मानना है, जैसे आप थॉट्स या फिर जैसे कंटेंट आप में रहेगा उसी तरीके से बाहर निकलेगा। यानी कि बहुत से लोग हैं जो ब्यूटी थेरेपी पे, आपने बहुत सारे ऐड पे देखा होगा कि बाहर से मेकअप लगाते हैं, बट अगर आप अंदर की, अगर स्टमच को, अगर गट्स को अच्छा फूड खाओगे आप, अगर टाइम पे सब कुछ करोगे, तो आपकी ब्यूटी ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगी। बट ये सब लोग तो जानते हैं, बट कोई नहीं करता, क्योंकि यार आउटसाइड तभी आप अच्छे दिखोगे जब तक आपकी इनसाइड फंक्शनिंग अच्छी होगी। तो आपको इनसाइड देखना है आपकी पॉजिटिविटी थॉट्स है या नहीं, तो उसी विचार से, उसी तरीके से आपके आगे के भी थॉट्स आएंगे। इफ़ समवन इज एंग्री, डोंट बी एंग्री। इनका ऐसा मानना है कि जब कोई एंग्री है, एंग्री मत होजिए, पहले इमेजिन करिए कि आप उसकी जगह होते तो क्या करते, क्या आप भी उसी तरीके से मतलब रिएक्ट करते, क्या उसकी मतलब गलती है, क्या उसकी गलती नहीं है। तो आपको अगर समझना है, तो उसकी अगर गलती निकली फिर भी आपको उसे मतलब एंग्री, उस पर एंग्री नहीं होना है, उसको एक बार समझाना है कि भाई तूने ये गलती की है, तो उसे समझना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी में ऐसे इसे पनिशमेंट मिलती है ये काम करने से। तो ऐसे कहने के बाद उसे अगर वो माना तो ठीक है, वरना आप उसे कर सकते हो। अब पनिशमेंट किस लिए, अगर आप उसे पनिश नहीं करोगे तो उसकी जगह कोई और आएगा और उसी तरीके से रिएक्शन करने लगेगा, तो उसके लिए एक लेसन सिखाने के लिए आपको उसे पनिश करना पड़ेगा। तो बाय द राइट चॉइस एंड ट्रू एप्लीकेशन ऑफ थॉट्स, मैन असेंड्स टू द डिवाइन परफेक्शन, बाय द अब्यूज एंड रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थॉट ही डिसेंड्स बिलो द लेवल ऑफ द बीस्ट। इनका ऐसा मानना है, अगर आप अच्छे थॉट्स लोगे और उसी तरीके से, ये पूरी तरीके से थॉट्स का जो खेल है वो एप्लीकेशन पे होता है और चॉइसेस के बेसिस पे होता है। जिस तरीके से आप परफेक्शन करोगे उस थॉट्स में, उसी तरीके से आपको आपका बिहेवियर होगा, आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपकी प्योरिटी बदलेगी। अगर आप एक बुरे थॉट्स लोगे, तो उसके एक अब्यूजिंग और रॉन्ग एप्लीकेशन अगर करोगे उस थॉट्स के, तो आप एक बीस से भी खराब हो जाओगे। अगर आपको अच्छा बनना है, तो आपको अच्छा कंटेंट देखना ही पड़ेगा। तो मैन फील्स अनकम्फर्टेबल व्हेन ही ट्राइज समथिंग डिफरेंट, और ये एक बेसिक नेचर होता है हर इंसान का, जब हम कुछ अपने कंफर्ट जोन से कुछ अगर अलग करते हैं, कुछ हार्डवर्क हो जाए, कुछ अलग काम हो, तो हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो बेसिक नेचर ही है, मंकी से चलता हुआ आया है, वो बेसिक नेचर ही हमारा। ओनली बाय मच सर्चिंग एंड माइनिंग आर गोल्ड एंड डायमंड ऑब्टेन एंड मैन कैन फाइंड एवरी ट्रूथ कनेक्टिंग विथ हिज बीइंग इफ ही विल थिंक डीप इन टू द माइंड ऑफ हिज ओन एंड दैट ही इज द मेकर ऑफ हिज कैरेक्टर द मोल्डर ऑफ हिज लाइफ एंड द बिल्डर ऑफ हिज डेस्टिनी।
इनका ऐसा मानना है कि यार अगर आप सर्च करोगे तभी आपको गोल्ड मिलेगा, और अगर आप माइन करोगे तभी डायमंड मिलेगा। और उसी तरीके से अगर आपको, अगर एक इंसान का ट्रुथ जानना है तो आपको भी सर्च करना पड़ेगा, आपको भी मतलब अपने माइंड में ठीक डीप जाना पड़ेगा, उसे ओपन करके देखना पड़ेगा कि क्या है यार मेरे माइंड में, क्या थाट्स है, क्या है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। और उसी के मुताबिक आप एक मेकर बन सकते हो, आप खुद के कैरेक्टर को एक अलग ही तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि फ्यूचर को डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप खुद के माइंड को, अगर थाट्स को डिज़ाइन कर पाओ तो आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन सकते हो। और अगर आपको खुद के डेस्टिनी बदलने हैं तो खुद के थॉट्स बदलने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। अगर आप उस तरीके से सोचोगे नहीं तो आपके कैरेक्टर बिल्ड कैसे होगा? तो पहले सोचिए फिर बनिए। तो इनका ऐसा मानना है कि मैन मैंस माइंड में भी लाइक अ गार्डन विच में भी इंटेलिजेंटली कल्टिवेटेड और एलो टू रन वाइल्ड, बट वेदर कल्टिवेटेड और नेग्लेक्टेड इट मस्ट एंड विल ब्रिंग फोर्थ इट इज नो यूजफुल सीड्स आर कल्टिवेटेड इन टू देन अबंडस ऑफ यूजलेस वेयर्स फॉल। इनका ऐसा मानना है कि जो इंसान का, जो मैन का जो होता है माइंड, वो एक एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसे इंटेलिजेंटली कल्टीवेट करोगे, फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स के बीच बोओगे, अच्छे अच्छे फल लगाओगे, तो उसी तरीके से वो गार्डन भी आपको यूजफुल होगा। और अगर उसमें, अगर आप उसे उसे कल्टीवेट ही नहीं करोगे तो उसमें वीड्स आ जाएंगे, बुरे बुरे जो पेड़ नहीं आने थे वो भी आ जाएंगे, और उसके वजह से वो पूरा का पूरा गार्डन खराब हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा का पूरा माइंड खराब हो जाएगा। और एक सीड की वजह से अगर पूरा माइंड खराब हो रहा है, यानी कि एक थॉट की वजह से अगर पूरा माइंड खराब हो रहा है, तो आपको उस थॉट को बदल देना है, या फिर उस वो जो थॉट है उसको जड़ से मिटा देना है। तो अगर आपको वो थॉट मिटा देना है, अगर आपको नेगेटिविटी मिटानी है, तो आप उसे पेशेंस के साथ ही मिटा सकते हो, और वो थोड़ा सा पॉजिटिव कंटेंट के एफर्ट के साथ और एक पेशेंस के साथ उस नेगेटिव थॉट को आप मिटा सकते हो। जैसे आप देखोगे वैसे आप बनोगे। तो आपको वो जो है वो आपको डेली आपके थॉट्स जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छे प्योरिटी थॉट पा सकते हो। सरकमस्टेंसेस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवील्स हिम टू इटसेल्फ। इनका ऐसा मानना है जो भी आप रिएक्ट करते हो सरकमस्टेंसेस पे, अब बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि यार आप बुखार आने के बाद आपको कुछ भी आप बड़बड़ने लगोगे, कुछ भी आप तो सोचने लगोगे, दैट इज आवर एक्चुअल रियलिटी। और जब आप बूढ़े हो जाते, आपने बहुत सारे बूढ़ों को देखा होगा कि कुछ भी ऐसे बैठे बैठे बड़बड़ाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, और उसी की वजह से यानी कि उनकी जो क्षमता होती है थॉट पे काबू रखने की वो चली जाती है किसी डिसीज की वजह से, और उसी की वजह से वो जो होते हैं वो अपने जो भी माइंड में चल रहा होता है वो बाहर निकाल देते हैं। और अगर हम एक 80s के पहले है या फिर 70s के पहले, हम उसे कैप्चर कर सकते हैं नीटली। तो क्या होता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपकी रियलिटी दिख जाती है, और जब आप डिसीज में होते हो जो भी आप बात करते हो दैट इज़ आर रियलिटी। तो आपको समझना चाहिए कि क्या यार हम जो बात नहीं कर रहे वो भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो आपको वो सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको बनाती नहीं है, आपको दिखाती है खुद से। तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझ में क्या, मतलब क्या निगेटिविटी है, क्या मुझ में भरना चाहिए, कौन सी कमी मुझ में है, तो आपको देखना पड़ेगा। मैन डू नॉट अट्रैक्ट दैट विच डू दे वॉन्ट बट दैट विच दे आर। इंसान वो अट्रैक्ट नहीं करता जो वो बनना चाहता है, वो अट्रैक्ट करता है जो वह है, क्योंकि आप उसी को अट्रैक्ट करोगे जो आपके अंदर जो आप हो, और आप जो मतलब जो आप हो वही उसी तरीके से थॉट्स आपके अंदर है। तो जैसे थॉट्स आपके अंदर होंगे उसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, आप उसी वैसे चीज़ों के नहीं जो आपको फ्यूचर में चाहिए। तो आपको अगर वो चीज़ें चाहिए तो वैसे थॉट्स, वैसे पॉजिटिविटी, वैसे प्योरिटी ऑफ थॉट्स आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप वो लोगों लोगे तो उसे भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। नॉट वॉट ही विशेज एंड प्रेज फॉर ही डज मैन गेट, बट ही जस्टली अर्न हिज विशेज एंड प्रेज फॉर ग्रेटिफाइड एंड अर्न द हारमोनीज विथ हिज थॉट्स एंड एक्शंस। इनका समझना है अगर आप विशेज और प्रेज करो डेली, आप संदीप महेश्वरी जी की एक मॉर्निंग एफर्मेशन है, अगर आप उसे सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि उसमें एक भी नेगेटिविटी का शब्द नहीं है। तो आप उसे अगर फॉलो करो पूरी तरीके से, अगर आप उसे फॉलो करो तो आपको एक हारमोनाइज थॉट्स एंड एक्शंस आपको मिलेंगे, उसी तरीके से आप बनते चले जाओगे। सफरिंग इज ऑलवेज द थॉट ऑफ रॉन्ग इन सेम डायरेक्शन। जब भी आप सफरिंग करते हो वो एक मतलब बहुत ही बुरा थॉट होता है, और वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में। बी नॉट इम्पेशेंट एंड डिलीज बट वेट एज वन हु अंडरस्टैंड व्हेन स्पिरिट राइजेस एंड कमांड्स द गॉड्स आर रेडी टू ऑल। आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, जब भी आपकी स्पिरिट दिखानी है उसी टाइम पे आपको स्पिरिट दिखानी है, और गॉड आपको रेडी कर देगा उस चीज़ के लिए जो जिसकी ज़रूरत आपको उस पल पे होगी। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस होके दिलीज होके आपको वो सब काम करने हैं। और जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, और जो मतलब एवरेज होते हैं वो खुद के गलतियों से सीखते हैं, और जो डल होते हैं जो मतलब स्टूपिड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो उन्हें सब कुछ पता होता है, दुनिया का पूरा ज्ञान उनके पास होता है, तो वो उनको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। द मैन हु सेज ही कैन, द मैन हु सेज ही कांट आर बोथ करेक्ट, कॉन्फ्यूशियस। इनका ऐसा मानना है कि यार कॉन्फ्यूशियस ने कहा है कि जो मैन कहता है कि ये गलत है,
या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ, जो कहता है मैं कर सकता हूँ, दोनों भी अपने अपने जगह पे राइट है, क्योंकि दोनों का भी वही कहना है कि यार दोनों को भी जैसे थॉट्स उनके माइंड में है उसी तरीके से उनकी फंक्शनिंग या फिर प्रोसेसिंग होंगी। तो आपको ऐसे थॉट्स रखने हैं आपके अंदर जिस तरीके से आपको बनना है। अगर आपको स्टीव जॉब्स बनना है तो उनकी पूरी किताब पूरे थॉट्स लेने पड़ेंगे। अब अगर आपको इलोन मस्क बनना है तो उनके पूरे थॉट्स आपको लेने पड़ेंगे। और इलोन मस्क पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, प्लीज़ देख लेना, अच्छा वीडियो होगा। तो बाय बाय।